So yeah, hi guys, myself Mishra Gurgaonwala. Once again, I would like to inform you that these days I am doing hot question on trigonometrical identities from R.D. Sharma. Okay, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ रहे हो गए एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, राइट? सो हमने पिछले वीडियो में 6-7 क्वेश्चंस किए थे आरडी के. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई थिंक 6th क्वेश्चन होगा आज. कॉस स्क्वायर कॉस 4 माइनस कॉस स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू साइन 4 माइनस साइन स्क्वायर. जो भी क्वेश्चन हमने करवाया ना, उसको वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर उसके टेक्निक्स और ट्रिक्स जो हमने बताए हैं, अगर आप फंसते हो तो उसको अप्लाई करना सीखो, राइट? सो नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट व्हाट विल यू डू, विल टेक कॉस स्क्वायर कॉमन. जब भी कोई दिमाग ना चले तो या तो सिंपलिसिटी क्या है, देखो, या तो आइडेंटिटी पे जाएगा, या साइन कॉस पे ब्रेक करोगे, या फिर कॉमन लोगे, या एलसीएम लोगे. यही 3-4 चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करते हो. यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन है, कॉमन ले लिया. बेसिक्स पे मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, बिकॉज हम लोग आरडी कर रहे हैं, वो भी हॉट्स. तो जाहिर है जो बच्चे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो बच्चे अगर बेसिक्स में वीक हो तो प्लीज़ आरडी के एग्जाम्पल्स बेसिक्स से स्टार्ट करो, या कोई भी दूसरे बुक के बेसिक से. एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन है, वो थोड़े यू नो हायर लेवल के हैं, तो वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा. जब एनसीईआरटी और बेसिक्स कर लो, फिर आरडी के हॉट्स पे आओ. ओके, सो नाउ इट इज कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा. अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो आपने पढ़ा था ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर होता है बच्चे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर. उल्टा है, नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर. अब क्या करोगे, अब देखो हमें लाना है साइन में, साइन 4 माइनस साइन स्क्वायर. हमारे पास एक ही साइन है, दूसरा साइन तो है नहीं. बट अगर आप सोचोगे तो ये देखोगे कि अच्छा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में. सो कॉस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, साइन में कैसे लिखेंगे, अगेन सेम आइडेंटिटी मैंने लिख दिया वहां, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके, इनटू माइनस साइन स्क्वायर. अब आप चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस साइन 4 है. देखो वही है, उल्टा लिखा हुआ है बस. साइन 4 है पॉजिटिव, साइन 4 है पॉजिटिव, माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर. सो दिस इज योर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, डन. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे आरडी के, फाइन. तब तक आप भी सोचो, वीडियो पॉज करो, देखो हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साइन 4 प्लस कॉस 4. साइन 4 ए प्लस कॉस 4 ए इक्वल्स टू कॉसेक, सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. मैं बार बार तो नहीं बोल पाता हूँ, बट हाँ वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ. कभी भी जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमारे लिए मोटिवेशन होगा. ओके, हम और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, हम और अच्छे से आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करेंगे, राइट? आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो हम इसको क्या करेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल अजीबोगरीब है सिचुएशन, कहीं कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है. बट ये ध्यान देना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कहीं, तो आप उसको फॉर्म में चेंज कर सकते हो. कैसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. आप सोचोगे अगर किसी को नहीं मालूम है तो घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, वी हैव अनदर मेथड. आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, देखो क्या होता है मैजिक,
राइट। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। सो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो या तो बच्चे को ये समझ में आता है तो वो करे, नहीं तो ये करे। सो आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए होंगे तो ऐसे खूब क्वेश्चन किए होंगे। सो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना है, अगर हमें ज़रूरत है, मुझे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आई कैन कन्वर्ट इन दिस टाइप ऑल्सो। सो यहाँ पे बोलोगे कि सर अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर के फॉर्म में सेट करो। सो दिस इज ए स्क्वायर बन गया एंड दिस इज बी स्क्वायर बन गया। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या कहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दो। आप लिख दो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर, बी क्या है मेरा कॉस स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर और बी क्या है मेरा कॉस स्क्वायर। एंड नाउ आई विल रब दिस, ओके। अब देखो मैजिक क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ चमक गया होगा, कुछ ना कुछ चमका होगा। ध्यान दो, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो क्या हो रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर व्हाट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, सो वन माइनस टू साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। मुश्किल कितना आसान है ये आर डी शर्मा का, ये हॉट्स क्वेश्चन है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे घूम जाते हैं एक मिनट के लिए, बोलते हैं पता नहीं क्या, ऐसा है ही नहीं, दो लाइन में हो ही नहीं सकता आइडेंटिटी, ऐसा नहीं, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। अगर आपको ट्रिक्स मालूम है, थोड़ा सा अप्लाई करना आप जानते हो, तो आप आर डी के क्वेश्चन यूँ कर सकते हो, ओके। नाउ विल स्टार्ट सेवन। अच्छा डिस्क्रिप्शन में आप लोग मेरा लिंक भी देख सकते हो, हर वीडियो में जैसा कि मैं बताता हूँ तो इसमें भी बता रहा हूँ कि मेरा खुद का ऐप है मैथ्स एकेडमिया के नाम से, ओके। ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी चलती है गुड़गांव में उपल साउथ एंड में, तो वहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं वो आते हैं, प्लस जो ऑनलाइन मोड में हैं वो हमारे ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट वाउट हो आप लोग तो कमेंट में भी डाल सकते हो, नहीं तो फिर मैथ्स एकेडमिया ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइन एट प्लस कॉस एट, सॉरी साइन सिक्स प्लस कॉस सिक्स। That equals to 1 minus 3 sin square cos square. 1 minus 3 sin square cos square. अब देखो जैसे a square plus b square वाला बनाया था, ऐसे ही अब ये a cube minus b cube वाला टाइप आ गया, यहाँ भी वही पैटर्न चलेगा। पहले मैं फॉर्मूला डेरिवेशन सिखा देता हूँ। a plus b whole cube क्या होता था, a cube plus b cube प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा घबराना मत, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है, बट आप इस फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा चमकेगा, ओके। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी दैट इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। डन डन। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो बच्चा ये फॉर्मूला समझ ले या ये डायरेक्टली अपना डिराइव कर ले, खुद ही कर ले। अब देखो मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लाना है इसको, कैन आई डू दिस, यस आप कर सकते हो, सोचो जरा, सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या मैं इसको क्यूब के फॉर्म में और इसको क्यूब के फॉर्म में ला सकता हूँ क्या, यस ला सकता हूँ, कैसे, साइन स्क्वायर का क्यूब और ये कॉस स्क्वायर का क्यूब। आज मैं बातें नहीं बनाऊंगा ज़्यादा, पढ़ाने के मूड में हूँ। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मेरा ए क्या हो गया साइन स्क्वायर, बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म क्या होगा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला दिस होल थिंग ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। हम इसी फॉर्म में इसको सेट करते हैं, लेट स्टार्ट। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका होल क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी। ए क्या है मेरा ये, बी क्या है ये, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्टॉप। ओके अब देखो, वीडियो पॉज करो, खुद अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो क्या हो सकता है। आइडेंटिटी भी मैंने लिखा हुआ है, चाहो तो देख के भी कर सकते हो। अगर शुरू में आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप इसको देख देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में खुद ही याद होने लगेगा। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, वन, वन का क्यूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन ही आ गया। इधर थ्री साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है और ये क्या है, वन है। फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, वन क्यूब इज वन और इधर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दैट इक्वल्स टू आर एच एस। हैं बीच बीच में नज़र भी मारते रहो क्या लाना है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ एल एच एस आर एच एस आ गया। हैंस ब्रोट लिखना मत भूलना, आप एच पी मत लिखना पेपर में, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, ठीक है, हैंस ब्रोट प्रॉपरली लिखना। ओके सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, अभी मैं नोट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कैसे कैसे होता है क्या होता है। ओके क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है मेरा सेक फोर माइनस सेक स्क्वायर। देखो सारे ट्रिकी क्वेश्चन है और एक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और बच्चे घूमने लगते हैं इसमें। टेन फोर प्लस टेन स्क्वायर, देखो क्या करेंगे बताओ। सेक से मुझे टैन में जाना है, अभी शुरू में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले देखो इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, व्हाट व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक कॉमन। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं, राइट, कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया सेक स्क्वायर है माइनस वन। अब देखो, अब आइडेंटिटी के बारे में सोचो, सेक स्क्वायर है माइनस वन, व्हाट सेक स्क्वायर है माइनस वन इज टैन स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा टैन स्क्वायर है। इधर आ जाओ, सेक स्क्वायर है, अगर मैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन को टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर ए को भी तो लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर के फॉर्म में। सेक स्क्वायर इज व्हाट, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, सो इसको लिख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर। कितना सिंपल है, सोच सकता है कोई कितना सिंपल है। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, विल गेट आंसर टेन स्क्वायर इंटू वन, टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, दैट्स इट, योर आर एच एस इज कम, दिस इज एल एच एस हैंस ब्रोट। ये है आर डी के क्वेश्चन। लोग सोचते हैं पता नहीं आर डी क्या है, हाँ जुपिटर से इसके क्वेश्चन आए हैं कि पता नहीं सैटर्न से आए हैं, हाँ ऐसा नहीं है, ये भी इसी अर्थ का ही है। आप अगर करोगे तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, जब मज़े आएंगे फिर तो आप ऐसे ही फोड़ोगे क्वेश्चन को जैसे मैं फोड़ रहा हूँ, ठीक है। नाउ द लास्ट वन फॉर टुडे इज नाइन क्वेश्चन, सेक क्यूब सॉरी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू लाना है, सॉरी प्लस है, प्लस साइन कॉस इक्वल्स टू वन। ओके अब देखो, सबसे पहला क्या काम, क्या दिमाग चल रहा है आपका, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब देख के क्या लग रहा है, सोचो सोचो सोचो, किसी और के बारे में नहीं, ट्रिगो के बारे में सोचो। ओके ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो सकता है, ओ शिट मैंने बोल दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मेरा एक्चुअली मोटो ये था तुम्हें हिंट देने का, ये साइन क्यूब है ये कॉस क्यूब है,
एक्चुअली में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। सो कैन बी राइट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता था? दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ए प्लस बी होल क्यूब से डिराइव करते हो और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अलग से होता है, वो भी मैं लिख दूंगा आपको क्योंकि आजकल सारे बच्चे को पता होता है फॉर्मूला, बड़े मेहनती बच्चे सब है ना, इसलिए ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। माइनस का अगर लिखना हो तो यहाँ माइनस लिख देना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। ओके, सो कंफ्यूज मत करना, वो दूसरा फॉर्मूला था। ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपने, क्या लिखूंगा? ए प्लस बी, तो मेरा ए क्या है? ए है साइन, बी क्या है? मेरा है कॉस, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी, सो इट इज साइन प्लस कॉस, ये हो गया हमारा ए प्लस बी, डन। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर क्या लिखूंगा? ए मेरा साइन है तो साइन स्क्वायर, माइनस ए बी, ए है साइन कॉस ए बी, तो मैंने लिखा साइन कॉस, प्लस बी स्क्वायर, बी है मेरा कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर, डन। और प्लस साइन कॉस है ये भी लिख दो यहाँ, प्लस साइन कॉस, इसको भी तो बेचारे को मत छोड़ो, ये छोटू राम है, इसको छोड़ दोगे अकेला तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, सो इसको एज इट इज नोट कर लिया मैंने। अब क्या है देखो, इसको भी एज इट इज अभी रहने दो, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ओके ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, वन माइ, अच्छा इसको इसको काट दो, अभी काट सकते हैं? अभी नहीं काट सकते क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर में है, सो अभी आप इसको नहीं काट सकते, डन। दिस इज साइन थीटा, सो अभी आप लिख लो, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ये लिख लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को नोट कर लो। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ हो सकता है क्या? साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन अगर मैं कर भी दूं तो भी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वन ही लाना है ना। ओके, सो वन ही लाना है, वन ही लाना है। यस 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 यस, हम लोग ये तो भूल ही जा रहे थे, ये अपॉन में कहाँ गया? आपको बोलना चाहिए ना, हाँ अपॉन में कौन लिखेगा? ये अपॉन चल रहा है तो यहाँ अपॉन में साइन कॉस कौन लिखेगा? मेरे पापा जी तो नहीं लिखेंगे, ये है साइन कॉस। वही मैं भी सोचूं कि अगर मैं ही फंस गया तो बच्चे तो हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, हैं। बट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, दिस इज ह्यूमन एरर, ये यही देखना है कि आप भी कर सकते हो, कई कई बार टीचर भी कर देते हैं, जैसे पेपर का प्रेशर है या जैसे कभी हम भी लाइव क्लासेस दे रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, सो मिस्टेक्स होते हैं। ओके, सो आपको इस मिस्टेक से बचना है। देखो अब ए प्लस बी इसका और ये कट गया मेरा, अब खुश हो जाओ आप, डन। अब देखो, अब मेरे पास क्या बचा? वन माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस, अब ये और ये कट गया और हमारे पास वन आ गया। दिस इज योर आरएचएस एंड दिस इज योर एलएचएस, कंफ्यूज मत करना। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने ये लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब प्लस प्लस ये वाला चीज हमने एज इट इज नोट कर दिया, अपॉन, ये बड़ा सा अपॉन है, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये अपॉन कर दिया, अपॉन साइन प्लस कॉस, आई फॉरगॉट टू राइट, तो ये मैं भूल गया था, ये मैंने लिख दिया। अब ये ए प्लस बी कट गया, कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव गॉट दिस, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया वन, ये वन है मेरा, माइनस साइन कॉस, ये नोट कर दिया। ये एक्स्ट्रा वाला जो नोट कर रहे थे आप, ये वाला पार्ट था, ये हमने यहाँ नोट कर दिया। नाउ इसको नोट करके देखो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैंसिल, वन आ गया। सो यस, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो जेन्यून लगे और अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हो तो डेफिनेटली यार वीडियो तो लाइक वाइक कर दो, कम से कम सब्सक्राइब तो करिए, तो इतना तो मेरा हक बनता है। देखो तुम जब सब्सक्राइब करते हो ना
तो मोटिवेशन डबल हो जाता है बच्चे को पढ़ाने का, उसको कुछ सिखाने का। पता नहीं इस वीडियो से कितने बच्चे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं इसमें, मैं भी शायद आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, घर बैठे बैठे बहुत कुछ सिखा सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन।